हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? एवरी गर्ल एवरी वुमेन, हर कोई चाहता है उसकी स्किन ग्लो करे, हेल्दी रहे एंड क्लियर रहे। हर लड़की यही चाहती है और वो ये भी चाहती है कि उसकी स्किन में ना कोई पिंपल हो, ना ही कोई ब्लैकहेड्स हो, ना कोई व्हाइटहेड्स हो और ना ही कोई ओपन पोर्स हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें हमारी स्किन का बेबी जैसा केयर करना पड़ता है। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी अदर बॉडी, इसलिए हम उसे बेबी की तरह ही केयर करें। कोई भी चीज़ लगाने से पहले, कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं आज ऐसा फेस पैक लेकर आई हूँ जो कि होममेड रहेगा, जिस पर हमें पूरा विश्वास रहेगा कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स है और वो DIY रहेगा। इसलिए मेरी इस वीडियो को आप कंटिन्यू एंड तक देखते रहिए, ज़रा भी स्किप मत करिए। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात कहना चाहूँगी, अगर मेरे इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू कर। नीम के बारे में कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है नीम हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी मम्मी, जितने भी हमारे घर में बड़े बूढ़े रहते हैं वो हमेशा बताते आए कि नीम हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है। इसलिए मैं आज ऐसा फेस पैक लेकर आई जो कि नीम से रिलेटेड है। वो फेस पैक का नाम है नीम फेस पैक विथ हनी एंड रोज वाटर। जो जो चीज़ हमें चाहिए ये फेस पैक बनाने के लिए, नीम फेस पैक बनाने के लिए, वो ईजिली हमारे घर में रहती है। ऑफकोर्स हर किसी के घर में वो चीज़ें होती होंगी, मेरे घर में है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके घर में होगी। मैं एक जजमेंट लगा रही हूँ कि हर किसी के घर में होगी। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ प्रोडक्ट कौन कौन से मैं यूज़ करने वाली हूँ DIY करने के लिए। DIY नीम फेस पैक, DIY नीम फेस पैक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो चलिए आगे देख लेते हैं इस वीडियो में। नीम फेस पैक बनाना है तो हमें नीम चाहिए होगा, नीम के पत्ते चाहिए होंगे, या उसके लीव्स चाहिए होंगे, या उसके पाउडर चाहिए होंगे, ठीक है। और हमें रोज़ वाटर चाहिए। रोज़ वाटर तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, अगर नहीं भी है तो आप जाके इजीली आप अपने मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और हमें हनी चाहिए, हनी भी ऑफकोर्स सबके घर में अवेलेबल होता है, सबके किचन में होता ही है। तो चलिए देख लेते हैं प्रोडक्ट, तो चलिए देख लेते हैं नीम। अगर बात करें मैं किस नीम का यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं आज मैं यूज़ करने वाली गुड वाइब्स की ये नीम लीव्स है। सी, ये गुड वाइब्स के नीम लीव्स है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए ये गुड वाइब्स का है। हमें चाहिए पहला ये फेस पैक बनाने के लिए, नीम फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है नीम के पत्ते या नीम पाउडर, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमें चाहिए हनी, मैंने यहाँ पर डाबर हनी लिया है। आपके घर में जो भी हनी अवेलेबल है आप ले सकते हैं, पर मैंने डाबर हनी लिया है। और थर्ड एंड लास्ट चीज़ हमें चाहिए रोज़ वाटर, ये भी मैंने डाबर गुलाब जेल लिया है। आपके पास कोई भी गुलाब जेल है, कोई भी कंपनी का चलेगा, पर गुलाब जेल ही चाहिए हमें। लोग सोचेंगे ये गुड वाइब्स का जो नीम लीफ है ये कौन खरीदने जाए, कौन परचेस करने जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप परचेस नहीं कर सकते हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसे, तो आपके घर में किसी को भी आप बोल दीजिए नीम के पत्ते ले आए, उसे आप धूप में अच्छी तरह से सुखा ले, सुखाने के बाद उसे मिक्सर में ब्लेंड कर लीजिए और उसे एक पाउडर फॉर्म में बना दीजिए, जिस तरह से ये है पाउडर फॉर्म में, इस तरह से बना दीजिए उसे पाउडर फॉर्म में, एकदम बिल्कुल पाउडर जैसा, नो इश्यू। अगर आप परचेस नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अफोर्ड अगर नहीं कर सकते हैं। ये नहीं, बहुत से अलग अलग कंपनीज के भी नीम के लीव्स आते हैं, आपको इजीली मेडिकल स्टोर में, कोई भी शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप अपने नियर बाय चेक कर सकते हैं उसे। मैं आप लोगों को बता दूँ गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट है वो ओनली पर्पल पे मिलते हैं, पर्पल का ऐप आपने
प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उस पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी आपको इसके लिए कुछ लिंक चाहिए तो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पाउडर्स अवेलेबल है पर्पल पर, उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांड है, आप अपने लिए चेक कर सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है पर्पल का या गुड वाइब्स का, ये मेरा खुद का पर्सनल खरीदा हुआ परचेज किया हुआ प्रोडक्ट है। बस मुझे नीम फेस पैक का रिव्यू करना था DIY, तो मेरे पास था ये, तो मैंने बोला चलो इसे यूज़ कर लेते हैं। और ये मेरी फर्स्ट बॉटल है, मैंने इसे आधा ख़त्म भी कर दिया है, सी मैंने इसे आधा ख़त्म भी कर दिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये कोई फर्स्ट टाइम मैं नीम फेस पैक नहीं बना रही हूँ, मैंने इससे पहले भी इसी पाउडर से, मैंने नीम लीव से गुड वाइब्स के पाउडर से मैंने बनाया था और बहुत अच्छा वर्क करता है। प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नो ऑलरेडी कि मुझे गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग सोचते रहेंगे बार बार गुड वाइब्स के प्रोडक्ट क्यों दिखाती है। मैं इसीलिए नहीं दिखाती हूँ कि कोई स्पॉन्सर वीडियो है या कहीं से मुझे कुछ दिया गया है, मेरा खुद का पर्सनल मुझे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट्स है, अबाउ 50% प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उन्हें परचेज करती हूँ और यूज़ करती हूँ और मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। है नीम फेस पैक जो आज मैं बनाने वाली हूँ विथ हनी एंड रोज वाटर, वो सारे स्किन टाइप को सूट होगा। अगर कोई ऑयली स्किन है उसे भी सूट होगा, कोई ड्राई स्किन है उसे भी सूट होगा, कॉम्प्लेक्शन स्किन है तो भी सूट होगा। हर कोई नीम फेस पैक यूज़ कर सकता है, वो सारे स्किन को सूट होता है। लोग नहीं चाहते कि घर पर ये इन चीज़ों से कौन बनाने जाए DIY प्रोडक्ट, तो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है नीम फेस पैक, हिमालया के और भी बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल है मार्केट में, तो आप अपने परचेज के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप DIY नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना खरीद कर भी लगा सकते हैं, बट मैं कहूँगी जितना अच्छा होगा आप DIY करके लगाएंगे, घर का बना हुआ वो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं DIY नीम फेस पैक घर पर हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बाउल लेना है कांच का, और उसमें हमें 2 चम्मच हनी ऐड करना है। हनी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी आपके घर पर अवेलेबल है। उसके बाद हमें नीम पाउडर चाहिए, नीम पाउडर भी आप घर पर भी बना सकते हैं और आप खरीद कर भी मार्केट से ला सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स का नीम लीफ लिया है जो कि मेरे पास पहले से अवेलेबल था। और उसके बाद हमें रोज़ वाटर चाहिए, 2 चम्मच हनी, 2 चम्मच नीम पाउडर और रोज़ वाटर के 2-3 चम्मच चाहिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मुझे सिर्फ अपने फेस पर लगाना है इसलिए मैंने 2 चम्मच हनी, 2 चम्मच नीम पाउडर और 2-3 चम्मच रोज़ वाटर लिया है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले तीनों को एक अच्छी हाथों से, उसके बाद उसे ऐसा पेस्ट बनाएं जो कि आपके फेस पर थिक लेयर जम जाए और वो आराम से बैठ जाए आपके फेस पर। कुछ इस तरह से मैंने ये फेस पैक बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा हमें थिक भी नहीं रखना है, ज़्यादा हमें पतला भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है ताकि आपकी स्किन को ये अच्छी तरह से लग सके। तो चलिए इसे लगा देते हैं। बाद के जो डार्क्स रह जाते हैं ब्लैक कलर के, वो मुझे ज़्यादा होता है, मुझे पिंपल्स बहुत कम होता है लेकिन वो बहुत लंबे समय तक टिकता है मेरे फेस पर। मुझे थोड़ा सा पिंपल्स के डार्क्स का प्रॉब्लम है मेरे फोरहेड पर,
और मैं सेकेंड थिंग कहना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी, ये मेरा थर्ड या फोर्थ फेस पैक है नीम का, मैंने पहले भी 2-3 बार लगाया है, उससे मेरे जो फोरहेड के जितने भी पिंपल्स के डार्क से ब्लैक कलर के ना, वो बहुत लाइट हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा इसने रिजल्ट दिया है, इस तरह से जैसे मैंने बनाया है हनी विथ रोज़ वाटर विथ नीम लीव, वो मुझे बहुत अच्छा सूट हुआ है। मेरे फोरहेड के जो ज़्यादा डार्क्स है पिंपल्स के ब्लैक हो गए, जो उसने बहुत अच्छा वर्क किया है मेरे ऊपर। तो वंस आप ट्राई करिए, डेफिनेटली ये आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको लगा कर फिर मिल। तो देखिए मैंने ये फेस पैक अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। आपको अपने यूज़ के हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिए, आप चाहे तो इसे नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैंने सिर्फ फेस पर अप्लाई किया है। हम इसे ऐसे ही 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे सूखने के लिए। सूखने के बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे और फिर आप रिजल्ट देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आया है इसका, आपको बिलीव नहीं होगा ज़रा भी। आप अगर कंटिन्यूसली इसे 1 वीक तक लगाएंगे या 10 डेज तक लगाएंगे, ये आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा नीम फेस पैक। अगर आप DIY नहीं करना चाहते तो ऑफकोर्स आप रेडीमेड भी खरीद सकते हैं, जो कि मेडिकल्स में या शॉप में अवेलेबल होते हैं। तो ये इतना फेस पैक मेरा बचा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो DIY के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम घर में बनाते हैं, कोई भी कांच की बोतल में या कोई भी कंटेनर में, आप छोटी सी कंटेनर में जो बचा हुआ DIY प्रोडक्ट है उसे रख कर आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, वो 3 से 4 दिन आराम से चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। या फिर आप बचे हुए प्रोडक्ट को आप अपने घर वाले के साथ, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी लगा सकते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते हैं तो आप उसे किसी भी कंटेनर में रख कर आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, और जब भी लगाना हो तब उसे लगा लीजिए और नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। DIY प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिन नहीं चलते, वो इसीलिए नहीं चलते हैं क्योंकि वो हम घर पर बनाते हैं, और सेकेंड थिंग होता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। बाहर के प्रोडक्ट्स में क्या होते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे, और घर का जो बना हुआ DIY प्रोडक्ट होता है, किसी भी तरीके का फेस पैक या बॉडी का या किसी भी तरह का, वो 1 वीक से ज़्यादा स्टे नहीं कर पाता है। इसलिए आप उसे फ्रिज में रखेंगे ना, तो फ्रिज के जो टेम्परेचर है ना उसमें वो 1 वीक तक अच्छा रहेगा। अगर आप उसे रूम के टेम्परेचर में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप कोई भी DIY के प्रोडक्ट्स है ना उसे आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ना रखें, उससे वो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इस आफ्टर 15 मिनट्स, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है नीम फेस पैक का। मैं आफ्टर 15 मिनट्स मिलती हूँ वॉश करने के बाद। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर ये पूरी तरह से सूख जाए 20 मिनट के बाद, तो आप अपने हाथों से इसे स्क्रब भी आप कर सकते हैं, मतलब इसमें पार्टिकल्स है ना नीम्स के छोटे छोटे, तो ये थोड़ा सा उसका काम करेगा स्क्रब का, जो पार्टिकल्स है नीम के छोटे छोटे वो स्क्रब का काम करेगा। तो सूखने के बाद ना आप अपने हाथों से इसे रब कर दीजिए, हल्के हाथों से, ज़्यादा मैश ना करें, आपके फेस को कोई नुकसान ना हो, हल्के हाथों से इसे रब करें, और रब करने के बाद उसे नॉर्मल वाटर से धो लें। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये फेस पैक लगाने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई इरिटेशन नहीं होगा, कोई रेडनेस नहीं होगी, कोई ईचिंग नहीं होगी, ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। तो बहुत ही ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने अपने फेस पर कुछ अप्लाई किया है, बहुत ही नॉर्मल जैसा लगेगा, जैसे बस हमने कोई क्रीम अप्लाई किया है। बस इसे ज़्यादा थिक लेयर ना लगाए, हो जितना हो सके आप नॉर्मल लेयर ही लगाएं, ज़्यादा थिक लेयर लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, नॉर्मल लेयर ही लगाएं। मैंने तो आपको वीडियो बनाने के लिए ऐसा लगाया है, इससे आप थोड़ा सा और ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बट ज़्यादा थिक लेयर आप बिल्कुल ना लगाएं। आप इस फेस पैक को हफ्ते में एक बार ही लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, सिर्फ हफ्ते में एक बार ही लगाएं इस फेस पैक को, उससे ज़्यादा ना लगाएं। हो सके तो 10 दिन बाद लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फेस पैक का ग्लो जो रहता है वो 7 डेज तक 8 डेज तक चलता है, तो आप उसको नॉर्मली आफ्टर 7 डेज बाद दूसरा फेस पैक लगा सकते हैं। किसी भी तरह का फेस पैक, कोई भी फेस पैक चलेगा, कोई भी ब्रांड का, एज पर योर चॉइस।
मैंने इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। इसने बहुत हमारे चेहरे के जो डस्ट होते हैं ना जमे हुए हमारे ओपन पोर्स में, ये उसके लिए भी हेल्प करता है नीम फेस पैक। आप देख सकते हैं लाइव रिजल्ट है, मैंने अभी जस्ट इसे वॉश किया है नॉर्मल वाटर से। सी द डिफरेंस, आप खुद ही समझ जाएंगे, मुझे शायद ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DIY होम मेड नीम स्क्रब या फेस पैक बनाने का बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदने से अच्छा है DIY कर लीजिए और उसे यूज़ करिए, और उसे आप फ्रिज में स्टोर करके रखिए, विद इन 1 वीक तक वो आपको आराम से चल जाएगा। मुझे तो इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा लगा है, देख लीजिए आप खुद ही। मुझे थोड़े थोड़े से ये पिंपल्स के डार्क स्पॉट है कहीं कहीं पर आपको मेरे फेस पर पिंपल नहीं मिलेगा। कैसा लगा ये नीम DIY होम मेड फेस पैक? ज़रूर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा रहेगा और आपने इस वीडियो को भी इंजॉय किया रहेगा जैसे मैंने किया है। मुझे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला गाइस, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर अपने घर पर ट्राई करिए DIY होम पैक नीम का, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप बाय नहीं कर सकते हैं नीम का ये जो लीफ का मैंने प्रोडक्ट आपको अभी गुड वाइब्स का बताया, अगर आप नहीं बाय कर सकते हैं तो आप अपने घर पर भी नीम को सुखाकर, उसके पत्ते को सुखाकर अच्छी तरह से 2-3 दिन में सूख जाएगा, या तो फिर 2-4 घंटे भी आप धूप में रखेंगे तो सूख जाएगा। उसे मिक्सर में ब्लेंड कर लीजिए तो नीम का लीफ बन जाएगा। सेकेंड थिंग, आप हनी तो आपके घर में होगा ऑफकोर्स, और रोज़ वाटर नहीं है तो आप खरीद लीजिए, इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। रोज़ वाटर इजीली डाबर का आपको मिल जाएगा, अदर ब्रांड्स के भी है। गाइस यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अल्सो, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। होप दिस हेल्पफुल फॉर यू ऑल, प्लीज़ इसे ट्राई करिए DIY नीम फेस पैक। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए इस पैंडमिक सिचुएशन में, और मेरी वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।